सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर लेके आ गया मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो देखकर पता भी चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कैसे आप अपने फ़ोटो की बेस्ट से बेस्ट बहुत ही अच्छी दिखने वाली स्टेटस वीडियो, जैसा कि वो दिख रही थी आपको, कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। जी हाँ, अपने फेवरेट म्यूजिक की, अपने फोटो की और ऐसे इफेक्ट डालकर आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, ऐसी वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। उस ऐप का नाम है एवी प्लेयर। जी हाँ, एवी प्लेयर। इसको सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये या आपको ये वाले जो विजुलाइज़र ही हैं पहले से मिलेंगे। जी हाँ, ये वाले विजुलाइज़र आपको पहले से मिलेंगे और मैं एक विजुलाइज़र के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ये विजुलाइज़र है वो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इस विजुलाइज़र को डाउनलोड कर लेंगे और इसमें सेट कर लेंगे। कैसे सेट करना है, चलिए मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है सेट करने के लिए, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है लोड फ्रॉम फाइल। जी हाँ, जो विजुलाइज़र आप नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड कर लेंगे तो उस विजुलाइज़र को आपको डाउनलोड में आ जाएगा आपका वो विजुलाइज़र, और आपको यहाँ से उसको लोड कर लेना है अपने इसमें। और वो भी आपका जो डाउनलोड्स में है वो विजुलाइज़र यहाँ पर आ जाएगा। तो वो विजुलाइज़र देखिए, ये मेरा ये रहा, आपका भी ऐसा ही आ जाएगा। तो सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये, जी हाँ, ये यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखिए जैसा कि मेरा ये लोड हो गया दोबारा से, ये देखिए, और ये विजुलाइज़र ऐसे इसमें लोड हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसको विजुलाइज़र को लोड कर लेना है, उसके बाद आपको फिर सिंपली आपको बैक हो जाना है। जी हाँ, सिंपली आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ोटो लगाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है पेंसिल वाले आइकन पर। जी हाँ, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ के बाद आपको यहाँ पर ये दिख रही है इमेज बैकग्राउंड कलर, इमेज बैकग्राउंड कलर ब्लैक शेडो बॉर्डर पीएनजी, इमेज टेक्स्ट लव पीएनजी, ब्लर इफेक्ट इमेज वन टू, इमेज वन टू कंपोजिशन पार्टिकल स्टार। आपको ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं करने हैं, जैसा ही मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि सेकेंड नंबर पर जो बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ सेकेंड नंबर पर जो बैकग्राउंड इमेज है आपको सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसको उस पर क्लिक कर देना है। सेकंड नंबर पर जो इमेज दिख रही है बैकग्राउंड इमेज, इस पर सिलेक्ट कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर वाला ये इमेज वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि कस्टम इमेज, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर से एक पिक इमेज का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो ले लेनी है। चलिए कैसे, मैं कोई भी एक फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने कोई भी फ़ोटो ले ली, मान लीजिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बैक हो जाना है सिंपल तरीके से, और ये फ़ोटो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने बाद देखिए कितनी ओसम सी पिक लग रही है, तो आपकी भी ऐसी लगेगी। और उसके लिए आपको कौन सा भी आपका जो फेवरेट सॉन्ग है वो सेलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये थ्री डॉट्स है, इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा लाइब्रेरी का ऑप्शन। जी हाँ, लाइब्रेरी का ऑप्शन। तो इस लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक सेलेक्ट सॉन्ग कर लेना है, जहाँ पर आपका सॉन्ग मिलेगा। मैंने ये पहले से सेलेक्ट करके रखा है, ये वाला लव मासूम वाला। ये कुछ इस प्रकार से आपकी फ़ोटो दिखेगी, और आपको देखिए मैं एक बार थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कैसे ये फ़ोटो दिखेगी। तो एक बार प्ले करते हैं कि आपकी स्टेटस किस प्रकार से बनेगी। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी बहुत ही ओसम स्टेटस लग रही है मेरे को, तो आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो सिंपली आपको ऐसी स्टेटस बना लेनी है। तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपको जितनी भी टाइमिंग रखनी है वीडियो की वो टाइमिंग रख सकते हैं। देखिए ये सॉन्ग 7 मिनट का है, तो 7 मिनट की वीडियो आपको दिखाई दे रही है कि आपका जो टाइमिंग है, मैं मान लीजिए यहाँ पर टाइमिंग रख लेता हूँ, कुछ कम सी रख लेता हूँ। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट होगी और ये टाइमिंग रख ली मैंने, मान लीजिए मैंने रख ली है 30 सेकंड की। जी हाँ, 30 सेकंड की स्टेटस वीडियो बहुत होती है, तो मैंने यही बना ली। आप कितनी भी बड़ी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसका नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। और सिंपली उसके बाद आप एक बार देख भी सकते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले, कि एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी वीडियो किस प्रकार से दिखेगी। और आपको सिंपली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं अपने वीडियो प्लेयर में। क्या करना है, अपने वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।